इन फ्रेंड्स, तो फाइनली बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि इवन सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है नज़दीक आ गया है, इसलिए आपका रिजल्ट भी अभी अभी लिंक एक्टिवेट कर दी गई, आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर करना क्या होगा, रिजल्ट चेक करने सिंपली आपको गूगल पर आ जाना है। सिंपली आपको यहाँ पर CSJMU टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप लोग CSJMU टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर ही इसके होम पेज पर क्लिक करना है जहां पर CSJM यूनिवर्सिटी लिखा है। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा आपको वेट करना है, इसके बाद आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा, इसको आपको बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है नीचे, यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा रिजल्ट्स का सेक्शन। क्या दिखेगा, रिजल्ट्स का आपको ये सेक्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है। इस पर थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, इसके बाद आपका जो पेज है ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर NEP सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एनुअल सेमेस्टर मेडिकल एग्जाम स्कूटी रिजल्ट, NEP 2020 रिजल्ट। सिंपली NEP एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपका रिजल्ट का जो पेज है ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है 2023-24, कैटागरी रेगुलर कर लेंगे, कोर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जाना है बैचलर ऑफ एजुकेशन पर जाना है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड पर जाएंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेमेस्टर आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। क्या करना है, रोल नंबर डालना है। यहाँ पर DOB कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईयर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम लोग ईयर वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा। तो आपका जो ईयर हो वो आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उनके मंथ्स दिख जाएंगे यानी कि महीनों के नाम दिख जाएंगे, तो यहाँ से महीने का आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ भर जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपके व्यू रिज़ल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग व्यू रिज़ल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो रिज़ल्ट है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।